जय मसीह के साथियों, मैं संजय मौर्य। यदि आप सुसमाचार प्रचार करने में इंटरेस्टेड हैं, आपको सुसमाचार प्रचार करना अच्छा लगता है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि बिना बाइबल खोले भी, बिना बाइबल ले जाए भी, आप यीशु का सुसमाचार शेयर कर सकते हैं। एक स्क्रिप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए ये दुनिया है और ये परमेश्वर है। मान लीजिए ये चार उंगलियां, ये परमेश्वर है और ये मनुष्य है। एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं। मान लीजिए ये परमेश्वर है और ये मनुष्य है। मनुष्य और परमेश्वर पास्ट में दोनों एक साथ रहते थे, उनमें घनिष्ठ संबंध थे। मनुष्य के जीवन में आनंद था, शांति थी, जीवन था, अनंत जीवन था। लेकिन मनुष्य पाप करने के कारण से परमेश्वर से अलग हो गया। परमेश्वर से अलग होने से उसके जीवन में पाप आने की वजह से मृत्यु आई, समस्या आई, दिक्कतें आ गई। मनुष्य अपनी इच्छा से ईश्वर के पास जाने के लिए कोशिश करता है। वो दान पुण्य काम करता है, ऑफरिंग देता है, उपवास करता है। कुछ लोग अपने गम, अपने परेशानियों को मिटाने के लिए ड्रिंक करते हैं। पर मनुष्य अपनी इच्छा से, अपनी कोशिशों से परमेश्वर के पास नहीं जा सकता था। इसलिए परमेश्वर, क्योंकि प्रेमी है और वो नहीं चाहता कोई नाश हो, उसने यीशु को इस दुनिया में भेजा। और यीशु मसीह प्रेमी होने के कारण से मनुष्यों के गुनाह अपने ऊपर लेके मारा गया, घाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। अब ये मनुष्य यीशु के मारे, गाड़े और जी उठने पर विश्वास करता है तो फिर से परमेश्वर के साथ उसका अच्छा रिश्ता हो सकता है। फिर से वो परमेश्वर में हो सकता है। फिर से वो अनंत जीवन को प्राप्त कर सकता है। फिर से उसके जीवन में शांति हो सकती है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब आप बिना बाइबल के प्रचार करें तो इस प्रकार का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि मान लीजिए ये परमेश्वर है और ये मनुष्य है। और इस प्रकार से जब आप लोगों को समझाएंगे, मुझे लगता है उनको अच्छा लगेगा। गॉड ब्लेस यू।